आज हमने हिमाचल प्रदेश के जो सरकार सरकार के सरकारी स्कूल है सरकार को एक्सपोज किया है। आज देखिए कि हमने हमारे आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से हैशटैग सेल्फी विद स्कूल का प्रोग्राम चलाया था, उसके माध्यम से हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी फोटोग्राफ्स और वीडियो हमें भेजे हैं। इसके माध्यम से ये पता लगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके की बदहाली है शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ भाजपा सरकार यहाँ पे ये क्लेम करती है कि हमने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो उसके आधार पर देखिए आपकी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिसकी छतें चू रही है, ग्राउंडों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कमरे की जो दीवारें हैं वो टूटी पड़ी है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो एक ही कमरे में पांच पांच क्लासें चल रही है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिसके पूरे स्कूल के अंदर सिंगल टीचर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर जयराम जी की सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनके एरियाज के जो स्कूल थे वो मेन हमने आपको पीपीटी के माध्यम से आज बताए हैं कि जो मंत्री अपने क्षेत्र को अपने क्षेत्र के स्कूल को सही नहीं कर सकता वो हिमाचल प्रदेश के लिए क्या करेगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ये बताया था कि एक ट्वीट किया था उन्होंने कि अगर शिक्षा की इस तरीके की स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर वो खराब ना है तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से इनके कार्य जो इनके कार्य क्षेत्र है जहां से ये खुद बिलोंग करते हैं मंत्री जी, वहां पे स्कूलों की इतनी जर्जर अवस्था है तो मैं कहता हूं कि जयराम ठाकुर जी की पूरी कैबिनेट को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस लाचार पड़ी व्यवस्था को नहीं सुधार पाए।